चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसएमई खबरें। आईआईटी खड़गपुर और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ज्वाइंट सेक्रेटरी विश्वजीत सहाय ने कहा है कि भारत नेशनल गुड्स और एक्सपोर्ट को 27 से 40% बढ़ाने के लक्ष्य को निर्धारित कर चुका है। इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज IMSME ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों के लिए शुरू की एक स्कीम। इस स्कीम के तहत छोटे कारोबारियों के लिए क्वालिटी एवं टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदना आसान हो गया है। ट्रेडर्स के खेल में फिर उलझे कपास किसान। बीते 10 दिन में 18 से 20% गिरे कॉटन के दाम। ऐसे में पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों को ऊंची कीमतों का लाभ नहीं मिलेगा। ऑयल इंडिया ने ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े हुए नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को एनकरेज करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। पूरे महाराष्ट्र में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर रहा। पिछले एक साल में 6104 एमएसएमईज यूनिट्स यहां रजिस्टर हुई हैं। थाने और औरंगाबाद जिले दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। पूरे चार्ट में 14347 रजिस्टर्ड यूनिट्स के साथ प्रथम स्थान पर है। स्टार्टअप्स द्वारा एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग लेने में हुई 27% की बढ़ोतरी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में यह 1.06 करोड़ था, जो 2015 में 4.67 करोड़ हो गया है। सरकार ई फार्मेसीज स्टार्टअप्स के लिए एक पॉलिसी पर काम कर रही है। सरकार का मानना है कि ई फार्मेसीज लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने में एक गेम चेंजर हो सकता है। सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया GST के सुधारों को प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर के रूप में देख रहा है, जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर 80% मार्केट शेयर को एंजॉय करता है।